हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एंड इन माय क्लास। आज के लेक्चर में अपन देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये जो क्लास टेंथ का चैप्टर है इसका एक फॉर्म आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास नाइन्थ के अंदर। ठीक है, क्लास नाइन्थ के अंदर जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म बारे में बात की थी आपने। ठीक है, तो वहाँ पे उसका आपने एक फॉर्म पढ़ा था। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ी थी उनके जोड़े आप इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं टेंथ क्लास के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए, मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, नाइन्थ क्लास के अंदर मैंने ये वीडियो बना रखी है। ठीक है, अगर आपको देखना है, बेसिक नॉलेज लेनी है, आपको फिर से रिकॉल करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम वेरिएबल्स क्या होते हैं मैं फिर से एक बार रिकॉल करवाता हूँ आपको। नाइन्थ क्लास का वेरिएबल्स क्या होते हैं भाई साहब, वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे मैंने मान लिया कि भाई साहब इनकी आयु एक्स है, इनकी आयु वाई है, जैसे किसी की एज हमने मान लिया, या कोई चीज़ सपोज कर लिया जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जैसे अपन ने एक्स वाई जेड टी यू वी, ये सारी चीज़ें जो हम अपन लेट करते हैं, ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। इनकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती है, तो हम बोलेंगे ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती है उनको अपन वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें इक्वेशन की, तो इक्वेशन क्या होते हैं, इक्वेशन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। इक्वेशन का एक बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट होता है, इक्वेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, इसका मतलब होता है अगर हमको किसी भी दो चीज़ को इक्वल डिनोट करना है, या फिर किसी भी दो चीज़ को कंपेयर करना है, या फिर हमको दिखाना है कि ये चीज़ इसके इक्वल है, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इक्वेशन का यूज़ करते हैं। जैसे अपन बात करें 3x प्लस 2y प्लस जी प्लस 5 इज इक्वल टू में 0 लिखा है, तो ये हमको क्या दिखा रही है, ये हमारी एक इक्वेशन होगी, क्योंकि ये क्या दिखा रही है, इक्वालिटी दिखा रही है कि एक्स एंड वाई के किसी भी वैल्यू के लिए जो हमारा जो ये इक्वेशन है ये क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। अब इसकी एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल, इनकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती है, इनकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन होगी। इक्वेशन का मतलब क्या बताया हमने, इक्वेशन ऑफ, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। बात समझ में आती है एकदम अच्छे से, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें। अब आप अगर बात करें टू वेरिएबल्स की, तो ऐसी इक्वेशन जिनके अंदर दो वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, इनको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे एक्स एक अलग टाइप का वेरिएबल है, वाई एक अलग टाइप का वेरिएबल है, तो यहाँ पर दो वेरिएबल प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे ये इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है। अब अगर बात करें यहाँ पर लीनियर की, तो लीनियर का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर तुम्हारी जो वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर अगर मैं 1 ले लूँ, तो वहाँ पर जो इक्वेशंस बनती हैं उनको अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, और अगर उनके अंदर दो वेरिएबल हैं तो अपन क्या बोलेंगे, ये होती हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बात समझ पा रहे हैं क्या हमारी आप अच्छे से, तो लीनियर का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल अपन को गिवन है उनकी हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर अगर 1 है, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अगर उन इक्वेशन के अंदर दो हमारे वेरिएबल प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। बात समझ में आती है एकदम अच्छे से, तो आप लोग समझ गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन फिर हमको क्या पढ़ना है, क्लास टेंथ के अंदर हमको पढ़ना है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन अपन ने लिखी ना 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू में 0, इसका पेयर पढ़ना, मतलब इसके साथ एक और इक्वेशन होनी चाहिए, यानी हमको पेयर्स पढ़ने हैं बेसिकली। अब हमने क्या किया, एक इक्वेशन ये ले ली, अब दूसरी इक्वेशन हमने मेजर कर ली 6x प्लस 5y प्लस का 7 इज इक्वल टू में 0, ये एक इक्वेशन ले ली। ठीक है, तो हमको क्या करना, बेसिकली इनमें पेयर्स पढ़ने हैं, जोड़े पढ़ने हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जो एक्स एंड वाई लेते हैं ना, तो यहाँ पर जब पेयर्स अपन पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन का पेयर पढ़ते हैं, तो इसमें जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं ये सेम होते हैं, ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए अगर हमने ले लिया यहाँ पे, ये जो इक्वेशन है इसको मैं लिख देता 6x प्लस, ठीक है, 6x प्लस 5t प्लस 7 इज इक्वल टू में 0, तो क्या ये इस इक्वेशन के पेयर बन पाता, इन दोनों इक्वेशन का पेयर बन पाता, नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग हैं। बात समझ में आ रही है, तो पेयर कब बनता है,
भाई जोड़ा जोड़ा आप समझते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि आपको जैसे मैं क्या एग्जांपल ले लूँ, हाँ जैसे आप लोग बोल सकते हैं, जैसे आपने स्लीपर्स देखे हैं, स्लीपर्स का क्या होता है, जोड़ा होता है। एक जैसे स्लीपर्स होते हैं ऐसा तो होता नहीं, एक स्लीपर अलग टाइप का, एक स्लीपर अलग टाइप का। अच्छे लगेंगे क्या, पहनेंगे पैर में बोलेंगे किसका चप्पल पहना है भाई, दूसरे का चप्पल पहना है क्या। तो यहाँ पे इसी तरीके से इसमें होता है, बेसिकली पेयर्स क्या होते हैं जिसमें सेम सेम वैल्यूज हों क्या, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो एक्स एंड वाई है इसमें क्या होते हैं, वेरिएबल सेम होते हैं, वेरिएबल को अगर हम चेंज कर देते हैं तो वो पेयर नहीं रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी क्या है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। अब अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म अपन ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है, क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में 0। अगर इस इक्वेशन के लिए लिखें तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में 0। अब बोलेंगे सर ये तो सेम टाइप की हो गई, हमको कैसे पता चलेगा कि ये वाली इक्वेशन पहले वाली की स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये वाली जो इक्वेशन है ये दूसरे वाले की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमने क्या किया, इनके जो रियल्स नंबर हैं इनको कुछ नाम दे दिया, इसको बोल दिया ए वन, इसको बोल दिया सी बी वन, इसको बोल दिया सी वन, इसको बोल दिया ए टू, इसको बोल दिया बी टू एंड इसको बोल दिया सी टू। अब जैसे हमसे पूछा जाएगा तो मैं बोलूँगा ए वन वाली जो है ये इस इक्वेशन की है स्टैंडर्ड फॉर्म, जो ए टू वाली है या फिर बी टू वाली है ये इस इक्वेशन की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। बात समझ में आ रही है ना एकदम अच्छे से। तो इतने कॉन्सेप्ट के अंदर जो आपकी एक्सरसाइज 3.1 है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, वो सॉल्व हो सकती है। आगे जो एक्सरसाइज है 3.2, ठीक है, 3.3, उनको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके लिए अपन को एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। लेकिन हाँ एक बेसिक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले अपन को क्या पता होना चाहिए कि अपन उसके बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए ना, हम लोग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिकली लीनियर इक्वेशन के पेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारी टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन होंगी। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, उनका सॉल्यूशंस पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग उन मतलब कि उनके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे उनके मेथड की किस तरीके से, किस मेथड के द्वारा हम लोग उनको सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, उसके अंदर हम लोग दो तरीके से क्या कर सकते हैं उसको सॉल्व। फिर हम लोग देखेंगे उसका ज्योमेट्रिकल मेथड, ठीक है, कि हम लोग ग्राफ के अकॉर्डिंग मतलब ग्राफिकल मेथड देखेंगे कि ग्राफ पे हम लोग रिप्रेजेंट करके किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एलजेब्रिक मेथड देखेंगे, एलजेब्रिक में तीन टाइप की चीज़ें देखेंगे, बात समझिएगा, एलजेब्रिक में तीन टाइप की चीज़ें देखेंगे। कौन कौन से मेथड देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड देखेंगे, ठीक है, और क्या देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में के अंदर, और वो भी पेयर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए, चलिए एक्सरसाइज 3.1 की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिए एक्सरसाइज 3.1 और उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो आप लोग अगर इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का अपन पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का बोल रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर्स एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देम, ठीक है, ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आपको क्या करना है, देखिए आफ्ताब है, एक आदमी है आफ्ताब, ठीक है, मैं बताता हूँ ये लैंग्वेज क्या बोल रही है, ठीक है। आपको क्या है, आपको एक आदमी है आफ्ताब, वो अपनी बेटी से कहता है, आफ्ताब क्या बोलता है अपनी बेटी से कि बेटी जब तुम अभी क्या मतलब कि आपसे इससे 7 साल पहले, अभी जो तुम्हारी उम्र है इससे 7 साल पहले की अगर अपन बात करें तब हमारी उम्र जो थी वो तुमसे 7 गुनी थी। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, आफ्ताब ने अपनी डॉटर से क्या बोला कि आज की जो अपन की क्या है एज है उससे 7 साल पहले की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो जो एज है, ठीक है, तुम्हारी जो एज है वो हमारी एज की क्या थी, ठीक है, 7 टाइम कम थी, या फिर मैं बोल सकता हूँ जो आफ्ताब की उम्र थी वो उसकी डॉटर की उम्र के 7 साल ज़्यादा थी, 7 टाइम्स ज़्यादा थी, यानी मैं बोल सकता हूँ 7 गुनी थी, ठीक है। यानी कि जो एज ऑफ आफ्ताब थी, सॉरी आफ्ताब थी, एज ऑफ आफ्ताब जो थी वो क्या थी, 7 टाइम्स थी, ठीक है, 7 टाइम्स थी
किसकी एज की? 7 टाइम्स हिज डॉटर एज, ठीक है, उसकी डॉटर की एज की 7 टाइम थी, कब? 7 साल पहले, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये 7 साल पहले की बात हो रही है। प्रेजेंट टाइम में अगर इनकी एज की बात करें तो यहाँ पे देखिए हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, और फिर उसने क्या बोला, क्वेश्चन पहले पूरा करते हैं, फिर उसने क्या बोला कि 3 साल बाद, अगर मैं 3 साल बाद की बात करूँगा, प्रेजेंट टाइम से जो अभी एज चल रही है उससे अगर मैं 3 साल बाद की बात करूँगा तब भी जो हमारी एज होगी वो तुम्हारी एज से क्या होगी, 3 गुने होगी। यानी अपनी पुत्री से वो क्या कह रहा है, अपनी बेटी से वो क्या कह रहा है कि जब अगर हम लोग 3 साल बाद की भी बात करेंगे, ठीक है, तो जो तुम्हारी एज होगी, मतलब जो हमारी एज होगी वो तुम्हारी एज की 3 गुनी होगी, ठीक है। तो बोल रहा है जो स्टेटमेंट आफ्ताब ने बोला अपनी बेटी से उसको आप लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करिए और उसको आप लोग ग्राफ पे दिखाइए, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि आफ्ताब की जो प्रेजेंट टाइम की एज है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट टाइम, क्या लिखेंगे? प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में अपन क्या देखेंगे, लेट हमने सपोज कर लिया कि जो आफ्ताब की एज है वो हमने एक्स मान ली, क्योंकि दी तो है नहीं प्रेजेंट टाइम की एज, तो हमने क्या लिया, लेट एज ऑफ आफ्ताब, ध्यान से समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस है और ये 3 से 4 नंबर में हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एज ऑफ आफ्ताब इज एक्स, अपन ने क्या मान लिया, प्रेजेंट टाइम की जो आफ्ताब की एज है वो एक्स मान लिया, एंड जो एज ऑफ डॉटर है, एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी जो पुत्री है, ठीक है, उसकी एज अपन ने क्या मान ली, वाई मान ली प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। अब बात कर रहा है 7 साल पहले की, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो। तो अगर 7 साल पहले की जब बात करेंगे तो आफ्ताब ने बोला जो मेरी एज है, ठीक है, जो मेरी एज थी 7 साल पहले वो तुम्हारी एज से 7 गुने क्या थी, ज़्यादा थी, मतलब कि 7 गुनी थी। तो अगर हम लोग 7 साल पहले की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में इसकी एज अगर एक्स है, ठीक है, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी रही होगी, 7 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, अरे भाई साहब सॉरी एक्स माइनस 7 ऐसा बोल सकते हैं, 7 साल पहले की एज कितनी रही होगी, एक्स माइनस 7, ये बोलेंगे कितनी, अरे अभी की एज अगर एक्स है तो पहले की एज क्या रही होगी, एक्स माइनस 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो 7 साल पहले की, ठीक है, तो हम बोल लेंगे एक्स माइनस 7। अब इक्वल टू में हमने बात किया, उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि हमारी जो एज है, ठीक है, वो तुम्हारी एज से कितनी थी, 7 गुनी थी। तो हम लोग क्या लगाएंगे, इक्वल का साइन, क्योंकि अपन को इक्वेशन बनानी है ना, इक्वालिटी दिखानी है। तो बोलेंगे अगर अपन बात करें उसकी डॉटर की एज की, तो 7 साल पहले उसकी डॉटर की एज कितनी थी, वाई माइनस 7। अब जो बोल रहा है कि 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज थी वो 7 गुनी थी उसकी पुत्री की आयु की, यानी कि उसकी बेटी की एज के 7 गुनी थी। तो मुझे पता है कि 7 साल पहले अगर ये इसकी आयु 7 गुनी थी, तो अगर हमको इसकी एज को बराबर करना है आफ्ताब की एज के साथ, यानी कि अगर हमको उस 7 साल पहले डॉटर की एज को बराबर करना है किसके साथ, आफ्ताब की एज के साथ, तो क्या मैं इसे 7 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, तभी तो इसमें इक्वालिटी आएगी, क्योंकि ये तो पहले से 7 गुना है। अब हमने क्या किया, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करके इसकी डॉटर की एज को भी 7 गुना कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारी पहली इक्वेशन फॉर्म होती है, देखिए कैसे, एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू में 7y माइनस का 49, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, एक्स 7y को इधर लेके आते हैं तो माइनस का 7y हो जाएगा, और इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 42। ये अपन की पहली इक्वेशन फॉर्म हो गई, 7 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट कंडीशन ये बोल रहा है कि 3 साल बाद की बात करें, यानी आफ्टर 3 ईयर्स, यहाँ डालेंगे आफ्टर 3 ईयर्स। तो जब 3 साल बाद की बात करेंगे तब भी जो आफ्ताब की आयु थी, तो अगर प्रेजेंट टाइम में एक्स आयु है, प्रेजेंट टाइम में एज कितनी है आफ्ताब की, एक्स, तो 3 साल बाद जो एक्स एज होगी वो एक्स प्लस 3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, अगर 3 साल बाद की बात करें तो इसकी एज हो जाएगी एक्स प्लस 3, ठीक है। एंड इक्वल टू अगर हम लोग इसकी डॉटर की एज की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में इसकी डॉटर की एज की कितनी है, वाई, ठीक है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी इसकी डॉटर की एज, वाई प्लस 3। ये है आफ्ताब की एज, इसको डिनोट कर रहे हैं ए से, एंड ये है डॉटर की, इसको डिनोट कर रहे हैं डी से, 3 साल बाद। तो हमसे बोल रहा है, तो आफ्ताब ने क्या बोला, 3 साल बाद भी
जो हमारी एज होगी ना वो तुम्हारी एज से 3 गुनी होगी। यानी कि हमसे बोला जो आफ्ताब की एज है 3 साल बाद वो किसकी डॉटर की एज से 3 गुनी होगी। तो भैया हमको इक्वेशन बनानी तो इक्वालिटी का साइन लाना पड़ेगा। तो अभी 3 साल बाद उसकी एज कितनी है 3 गुनी है इसकी एज से। तो अगर हमको इक्वालिटी लानी है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसके बराबर करना पड़ेगा। और भाई साहब बराबर करना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी एज को भी 3 गुना करना पड़ेगा। और 3 गुना करने के लिए हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ रही है, एकदम स्लोली आराम से समझा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से आपसे बोल रहा हूँ और अच्छे नंबर में आता है। ठीक है, बस आप अगर इक्वेशन बना ले गए, मेन इसमें इक्वेशन है, अगर आप लैंग्वेज समझ के इक्वेशन बना ले गए तो आपको आराम से आप इसको ग्राफ पे डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो सारा 9th वाला है, आपको सॉल्यूशन निकालना आता है। ठीक है, एक्स वाई मतलब बॉक्स बनाने आते हैं, 9th क्लास में अपन ने सीखा है, और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ पे डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ से इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, कमेंट करके बताएंगे, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 3 साल बाद वाली, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस में 9। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू में 6। ये बन जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो 3 साल बाद की जो इक्वेशन बनी वो ये है, एंड 7 साल पहले की जो इक्वेशन बनी वो ये है। ठीक है, तो 7 साल पहले जो बोल रहा था स्टेटमेंट, उसके हिसाब से जो इक्वेशन ये बनी, एंड 3 साल बाद जो जो इक्वेशन बोल रहा था उसके हिसाब से इक्वेशन ये बनी। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो इक्वेशन बनाना समझ में आ गया, चलिए अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको मैं रफ करता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको अगर नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए मैंने रफ किया, और ये दोनों इक्वेशन मैं पहले सबसे ऊपर लिख देता हूँ। ये है 7 साल पहले की, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 7y इज इक्वल टू में माइनस का 42। ठीक है, ये माइनस का है। और 3 साल बाद की अगर बात करें तो x माइनस 3y इज इक्वल टू में 6 बनते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसको ग्राफ पे शो करना है तो इनके दोनों के सॉल्यूशंस मैं निकालूंगा। तो मैं क्या करूँगा, बॉक्स बनाऊँगा। मैं पहले वाली इक्वेशन के लिए जब बॉक्स बनाऊँगा तो x एंड y के लिए बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू एंड यहाँ पे रखेंगे y की वैल्यू। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो y की वैल्यू 6 आती है। देखिए कैसे, x की वैल्यू 0 रखा तो यहाँ 0 हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, और 7 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। अब अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू 7 रख देता हूँ, कितनी रख देता हूँ, y की वैल्यू 7 रख देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 7 जा 49, और ये माइनस का 49 जब इधर जाएगा तो प्लस का 49 हो जाएगा, और जब इसमें से 42 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 7। इस तरीके से हमारी पहली इक्वेशन के पॉइंट निकल आए हैं। अब इसी तरीके से अगर हम दूसरी इक्वेशन के पॉइंट को निकालें तो दूसरी इक्वेशन के जो पॉइंट निकलेंगे, इसके लिए भी हमको डब्बा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो x एंड y के लिए डब्बा बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं, ये x है एंड ये y है। अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू -2 मिलती है। बात समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ से देखिए x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू क्या मिल गई, -2 डिवाइड होके। अब यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू 1 रख देता हूँ, y की वैल्यू मैंने कितनी रखी, 1 रखी, तो यहाँ पे ये कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 9, क्योंकि ये माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं अगर y की वैल्यू -1 रख दूँ, मैंने y की वैल्यू क्या रख दी, -1, इससे और छोटा पॉइंट आएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा, और ये जब इधर जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 3 ही बचेगा, क्योंकि 6 में से 3 जाएगा, ये प्लस का 3 इधर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा। ये हमारे पॉइंट आ गए। अब इनको हमको डिनोट करना है किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर। तो अपन मेजरमेंट करेंगे, ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस। अब अपन मेजरमेंट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसी तरीके से इसमें कर लेंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ पे थोड़ा सा सही से बनाते हैं। ठीक है, आप लोग जब स्केल से बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा। तो यहाँ से देखिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 एंड ये 6, एंड ये हो गया अपन का 7। अब देखिए इनको अपन को डिनोट करना, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को सबसे पहले हम ग्राफ पे डिनोट करेंगे। तो अगर हम अपन क्या करते हैं,
एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं। अगर अपन एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो वाई की वैल्यू अपन को क्या मिल रही है, सिक्स। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखने पे वाई की वैल्यू सिक्स मिली, यानी पहला पॉइंट ये मिल गया। नेक्स्ट अपन बात करें अगर, तो एक्स की वैल्यू सेवन रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर एक्स की वैल्यू सेवन रखते हैं तो वाई की वैल्यू भी क्या मिल रही है अपन को, सेवन। यानी दूसरा वाला जो पॉइंट मिला ये अपन को क्या मिल गया, ये वाला मिल गया। बात समझ में आ रही है। अगर इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये किसकी है, x माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू में माइनस का 42 की है। नेक्स्ट वाले के लिए अगर अपन बात करें तो यहाँ पे x की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं एंड y की वैल्यू क्या रखते हैं, माइनस का 2। तो यहाँ पे y के लिए निगेटिव एक्सिस में अपन क्या बनाएंगे, ठीक है, माइनस वन, माइनस टू, ठीक है, माइनस का 3, माइनस का 4, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब x की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो y की वैल्यू माइनस टू मिल रही, यानी पहला पॉइंट ये मिल गया। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, अगर x की वैल्यू थ्री रखते हैं, x की वैल्यू थ्री रखने पे y की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस वन, यानी कि दूसरा पॉइंट हमको कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा। देखिएगा ध्यान से, ये वाला मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को जब अपन मिलाएंगे तो अपन को क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और ये जो लाइन होगी ये किसकी होगी, x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू में सिक्स की होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको ग्राफ पे डिनोट कर दिया। बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से, कोई दिक्कत, कोई हैरानी, परेशानी, ठीक है। तो इस तरीके से हम, अगर आप लैंग्वेज समझ गए क्वेश्चन की, तो आप उसको आराम से इक्वेशन बना सकते हैं और ग्राफ पे डिनोट कर सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। वो आपको इसी तरीके से इक्वेशन बनानी है, उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आप ही लोग करेंगे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। आपसे बोला है क्रिकेट टीम का एक कोच है, ठीक है, जो 3900 रुपये में 3 bats and 6 balls खरीदता है। कितने, 3 bats खरीदता है एंड 6 balls खरीदता है, ठीक है, 6 balls खरीदता है, कितने रुपए में, 3900 रुपीज़ में। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है बाद में, ठीक है, आफ्टर सम टाइम उसने क्या किया, बाद में उसने वन बैट और ख़रीदा, ठीक है, एंड 2 balls और ख़रीदी, 1 bat and 2 balls एक्स्ट्रा ख़रीदी, और वो कितने में ख़रीदी उसने, वो ख़रीदी 1300 रुपये में, ठीक है। यानी पहले उसने 3900 रुपये में 3 bats and 6 balls ख़रीदी, ठीक है, बाद में उसने क्या किया, 1300 रुपये में 1 bat and 2 balls ख़रीदी। तो आपसे बोल रहा है इस स्थिति में, यानी कि इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसका आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाना है ग्राफिकली एंड ज्योमेट्रिकली, ठीक है। आपको क्या करना है, अगेन लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो आप बोल देंगे कि उस, हम लोग मान लेते हैं नंबर ऑफ बैट को एक्स, यानी कि नंबर ऑफ जो बैट्स हैं उनको क्या मान लेते हैं, एक्स, एंड नंबर ऑफ जो बॉल हैं उनको क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। तो हमने बोला कि उसने कितनी बॉल खरीदी, सॉरी कितने बैट खरीदे, अगर एक बैट एक्स है, ठीक है, सॉरी कॉस्ट मान लेते हैं, कि मतलब कि जो कॉस्ट है हमारी बैट की वो कितनी है, एक्स, यानी कि कॉस्ट ऑफ बैट अपन ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ वन बैट। अगर एक बैट की कॉस्ट देखें तो एक्स है, और एक बॉल की कॉस्ट देखें तो अपन क्या देखेंगे, कॉस्ट ऑफ वन बॉल। अगर वन बॉल की कॉस्ट देखें तो क्या अपन ने ली है, वाई। तो हमने बोला अगर एक बॉल की कॉस्ट एक्स है, ठीक है, तो 3 balls उसने खरीदी तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 3x, ठीक है। फिर उसने क्या बोला कि अगर एक बॉल की कॉस्ट उसकी कितनी है, वाई है, ठीक है, तो 6 balls उसने खरीदी तो उसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 6y हो गई। अब इन दोनों की कॉस्ट को मिलाकर जो हमारी टोटल कॉस्ट बनी वो कितनी है, 3900 रुपये। बात समझ में आ रही है, इतने रुपए में उसने क्या खरीदा, इतने बैट्स एंड इतने बॉल खरीदी, बाद में उसने, ये हमारी एक इक्वेशन फॉर्म हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपको लैंग्वेज समझनी है। सेकेंड आपसे क्या बोल रहा है कि बाद में उसने 1 bat ख़रीदा, यानी कि एक बैट की कॉस्ट एक्स रुपी है, तो मतलब कि इसने एक बैट ख़रीदा तो कितना कॉस्ट हो गया, एक्स, प्लस
दो बॉल खरीदी, यानी एक बॉल की कॉस्ट अगर ₹2 है तो दो बॉल की कॉस्ट कितनी हो गई ₹2, और ये उसने कितने में खरीदा ₹1300 में खरीदा। तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन के आप क्या करेंगे, एक्स एंड वाई क्वाड्रेंट निकालेंगे और उसको आप लोग ग्राफ पे शो करेंगे, तो वो आप लोग कर सकते हैं आराम से, ठीक है। हाँ, और आपको यहाँ पर एक नया फैक्ट बताता हूँ, अगर यहाँ पर ये इक्वेशन डिवाइड हो रही हो ना तो आप इसको आराम से डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे मुझे 3 का फैक्टर दिख रहा है, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x प्लस का 2y इज इक्वल टू में 3 × 1 = 3, ठीक है, एंड 3 × 3 = 9, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। यानी कि यही वाली इक्वेशन सेम टू सेम बन जाएगी, बात समझ में आ रही है। तो ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन दोनों सेम है तो दोनों के सॉल्यूशन भी क्या आएंगे, सेम आएंगे, बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों इक्वेशन एक ही पॉइंट पे लाई करेंगी, ये आप लोग देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। जब ग्राफ बनाएंगे ना तो ये दोनों एक ही लाइन पे आएंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आप लोग इसको करेंगे, बाकी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बस लैंग्वेज समझ के तो आराम से इक्वेशन बना लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन डे, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि हमारी जो कॉस्ट थी एप्पल की एंड ग्रेप्स की, इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है, इक्वेशन मैंने बना दिया, आपको केवल ग्राफ पे क्या करना है, सॉल्यूशन निकाल के रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब आपसे थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, ठीक है, कि एक दिन में जो एप्पल है, ठीक है, उसकी कॉस्ट 2 kg एप्पल की कॉस्ट, यानी 2 kg एप्पल की कॉस्ट, ठीक है, एप्पल की कॉस्ट कितनी है 2 kg एप्पल एंड 1 kg आपका क्या दिया है, 1 kg ग्रेप्स। 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो अपन को कितनी दी हुई है, 160 rupees दी हुई है। और कुछ दिन बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद 4 kg एप्पल्स, कुछ दिन बाद, आफ्टर सम टाइम, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर सम टाइम कुछ दिन बाद क्या हुआ, 4 kg एप्पल, एप्पल को मैं APP से डिनोट कर रहा हूँ एंड ग्रेप्स को मैं GRA से डिनोट करूँगा, ओके, 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स, ठीक है, 2 kg ग्रेप्स, 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो 300 rupees हो गई। तो आपसे बोल रहा है कि आप इस पर लीनियर इक्वेशन फॉर्म करिए, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताइए। तो आप क्या बोलेंगे, हमने मान लिया शुरुआत में, इनिशियली फाइनली दो कंडीशन बनाएंगे। इनिशियली अपन ने क्या माना कि टू, मतलब कि हमने मान लिया कॉस्ट ऑफ एप्पल, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल की कॉस्ट अपन ने क्या लेट कर ली, लेट यहाँ पर लिख लीजिएगा, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट अपन ने कितनी मान ली, वाई। हमने माना 1 kg सेब की जो कॉस्ट है वो एक्स है एंड 1 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो वाई है, ठीक है। आपसे बोल रहा है 2 kg एप्पल की कॉस्ट एंड 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट आपकी कितनी जाती है, 160। तो हमने बोला अगर 1 kg एप्पल की कॉस्ट एक्स है तो 2 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2x। अगर 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट वाई है तो 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी रहेगी, वाई ही रहेगी। और इन दोनों के कॉस्ट को मिला के जो टोटल कॉस्ट आती है वो कितनी है, 160, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन ये फॉर्म हो गई कि नहीं फॉर्म हो गई, इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आफ्टर सम टाइम उसने बोला कि 4 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी हो जाती है एंड 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट 300 रुपये हो जाती है। तो हमने बोला 1 kg एप्पल की कॉस्ट ₹x, तो 4 kg की हो जाएगी ₹4x। अब हमने बोला 1 kg एप्पल ग्रेप्स की कॉस्ट हमारी कितनी है, ₹y, तो यहाँ से 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ₹2। और इन दोनों को मिला के जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, ₹300। ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई, ठीक है। हमने अगेन इक्वेशन फॉर्म कर दिया, अब यहाँ से क्या करेंगे, आप इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। हमने फिर क्या बोला, अगर ये कॉमन होने वाला टर्म है तो इसको कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए, ये 2 के फैक्टर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, 2 के फैक्टर से जब इसको डिवाइड करेंगे तो जो इक्वेशन आएगी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर इक्वेशन नंबर जो 2 आएगी वो आएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में 150। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। अब जब इक्वेशन फर्स्ट के अपन सॉल्यूशन निकालेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर से अपन डब्बा बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट के लिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है।
x एंड y डब्बा बनाया। अब अगर अपन क्या कर देते हैं, x y की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं, y की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं, तो x की वैल्यू जानते हैं कितनी आती है, x की वैल्यू आती है आपकी 80। x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 80 आ जाती है, ठीक है। अब अगर y की वैल्यू आप क्या रख देते हैं, मान लीजिए आप रख देते हैं 80, अगर आप y की वैल्यू 80 रख देते हैं, ठीक है, तो जो x की वैल्यू आती है वो 40 आ जाती है। देखिए कैसे y 80 है, इधर गया तो 80 हो गया, एंड 2 से डिवाइड हुआ तो 40 हो गया, ठीक है। अब ये आ गए हमारे फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन। अब सेकंड इक्वेशन के अपन सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर से डब्बा बनाएंगे x एंड y का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना आपको। अब देखिए क्या करेंगे, मुझे इक्वेशन दिए 2x plus y is equal to में 150, तो x बनाया एंड y बनाया। अपन ने क्या किया यहाँ पे, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 75 मिली, कितनी 75। अब अपन क्या करते हैं, अगर x की वैल्यू रख देते हैं, मान लीजिए कितनी 80 रख देते हैं, या फिर 70 रख देते हैं, कितनी रख देते हैं 70 रख देते हैं, तो यहाँ पे जब x की वैल्यू 70 रखेंगे ना, तो यहाँ से देखिए 150 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 80 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से अपन को पॉइंट मिले, ठीक है। और ये सारे पॉइंट आप अपने मन से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ग्राफ पे इनको रिप्रेजेंट करेंगे, देखेंगे कितने कितने की गैपिंग है, 20-20 की गैपिंग है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से बोलेंगे ये 20 है, सॉरी ये 50 है, सॉरी ऐसे बोलेंगे 20 है, ये 40 है, ये 60 है, ये 80 है, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे भी बोलेंगे ये 20 है, ये 40 है, ये 60 है, एंड ये 80 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन के लिए सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला जब y की वैल्यू 0 थी, यानी कि y पे कोई एक्सिस नहीं चला था, तो x पे 80 चला था, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा है, 80, 0, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, जब x पे 40 चला तो y पे कितना चला, 80, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या मिला, ये वाला। अगर इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो अपन को क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन। और हमको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो ये वाली जो लाइन मिली है किस इक्वेशन की है, 2x plus y is equal to में 160 की। अब इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन के लिए बनाया, तो हमने बोला जब y की वैल्यू 0 है, जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी है, 75, और ये किसके किसके बीच में आएगा, 60 और 80 के बीच में आएगा 75, यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमने बोल दिया कौन सा है, 75, 0। अब नेक्स्ट आपसे बोल रहा है जब आपकी x की वैल्यू 40 है, जब आपकी x की वैल्यू 40 है तो y की वैल्यू कितनी है, 70, यानी कि ये 70 कहीं यहाँ आएगा, तो ये वाला एक पॉइंट आता है हमारा, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो हमारी इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और ये वाली जो लाइन बनेगी ये किस इक्वेशन की होगी, ये होगी हमारी जो इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2x plus y is equal to में 150 की होगी। बात समझ में आ गई, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ग्राफ पे शो करेंगे। अब देखिए ये जो लाइन आ रही है कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है। अब एक्सरसाइज 3.2 के अंदर अपन यही सारी चीज़ें देखेंगे कि ये जो लाइंस अपन की आ रही हैं ये पैरेलल आ रही हैं, तो इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे। अभी अपन ने सॉल्यूशन थोड़ी ना निकाला है इसका, अब अगली एक्सरसाइज में अपन क्या करेंगे, जो ग्राफ्स एप्स की कॉस्ट निकाली है तो अपन को ये भी तो बताना पड़ेगा ग्राफ्स की कॉस्ट कितनी है और हमारी एप्पल की कॉस्ट कितनी है। अभी तो हमने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा है, ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे जब अपन 3.2, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जब पेयर आते हैं तो उनके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं और किस किस मेथड से हम लोग उन इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बात समझ में आती है, तो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.1 हो जाती है कंप्लीट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, अपने और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और नई एक्सरसाइज के साथ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की पेयर के, ठीक है, बात समझ में आती है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, या फिर आपको इक्वेशन बनाने में कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, किसी भी पॉइंट में जो मैंने शुरुआत से लेकर आखिरी तक जितने भी पॉइंट बताए हैं, किसी भी पॉइंट में अगर आपको प्रॉब्लम हो स्टार्टिंग से एंड तक, तो आप क्या कर सकते हैं, हमसे विद द हेल्प ऑफ कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में नहीं तो कमेंट बॉक्स के हेल्प से बता दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टिल देन बाय बाय।